हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभी पीटर्सबर्ग में और आप मेरे देख रहे हैं, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है और मैं जा रहा हूं मॉस्को। अभी मैं अपने हॉस्टल से चेकआउट कर गया हूं और चेकआउट करने के बाद अब मैं जा रहा हूं सेंट पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पे, जो कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है मॉस्को। तो यहां से मेरी ट्रेन है और इस बार थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं अभी मॉस्को जिस ट्रेन से जा रहा हूँ वो है बुलेट ट्रेन। जी हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके मॉस्को तक मैं जा रहा हूँ बुलेट ट्रेन में, जिसको यहाँ पे सेप्सन बोलते हैं, रशियन में इसको सेप्सन बोलते हैं। और ये कुछ है सुबह लगभग 6 बजे का नज़ारा, रोड एकदम खाली है और मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, जो कि मेरे हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं सोचा अभी मेरे पास एक घंटा है, तो क्यों ना मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और आराम से स्टेशन भी पहुँच जाएंगे। तो पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग आगे डेस्टिनेशन, जो कि है मॉस्को। और ये सफ़र थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को की दूरी है 800 समथिंग, और जो बुलेट ट्रेन है ये हमें पहुंचाएगी सिर्फ 4 घंटे में सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को। तो काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है ये जर्नी। सेंट पीटर्सबर्ग की जो जर्नी थी ना, वो ख़तरनाक थी। होप कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, जो मेरा ब्लॉग है काफ़ी आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो लास्ट मोमेंट आ गया है सेंट पीटर्सबर्ग को अलविदा करने का, बस 10 मिनट का और वॉकिंग डिस्टेंस, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन फिर मॉस्को। आपका भाई ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया है। हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट लगे यहाँ तक आने में, और मेरी जो ट्रेन की टाइमिंग है वो है 6:09, और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो है 11, और जो मेरी सेप्शन की जो ट्रेन नंबर है वो है 755। आप इधर देख रहे हो, एक बुलेट ट्रेन इधर भी खड़ी है। अब मैं जा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म की ओर, जो कि है 11 नंबर, ट्रेन नंबर 755। ये मैंने 2-3 दिन पहले बुक किया हुआ है, जिसको टोटल मैंने कितना, मैं बता रहा हूँ कि मैंने टोटल कितना दिया इसके लिए, 2336 इसके लिए मैंने बुकिंग किया, 2336 जो मेरा टिकट प्राइस है सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को बाय बुलेट ट्रेन। काफ़ी एक्साइटेड हूँ बुलेट ट्रेन में, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे लेगी यहाँ से पहुँचने में मॉस्को, 800 किलोमीटर। सोच सकते हो कितना फास्ट है, ज़बरदस्त। तो मैं कुछ सिक्योरिटी चेक मेरे आगे है, मैं सिक्योरिटी चेक करता हूँ फिर आगे सीधा स्टेशन पे। हमारी स्पीड ट्रेन लग चुकी है, ये है हमारी स्पीड ट्रेन, और जो मेरा जो कोच है वो है कोच नंबर 8।
तो मैं अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ, कोच नंबर 8 जो यहाँ पे कार बोलते हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन की जर्नी करने वाला हूँ भाई। ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मॉस्को। तो हम लोग पहुंच गए 4 घंटे बाद मॉस्को में। ये है हमारी ट्रेन जो इस साइड में लगी हुई है, जो आप देख पा रहे हो, और अभी बाहर निकल रहे हैं। एग्जैक्ट 4 घंटे में यहाँ पे पहुंचा दिए। काफ़ी स्मूथ जर्नी थी यार, पता ही नहीं चला। अंदर बैठ के ही जैसे अंदर घुसा, उसके बाद थोड़ी देर बाद तो भाई मैं सो ही गया, क्योंकि रात को ठीक से सोया नहीं था तो फिर सो गया। तो मैं रेकमेंड करता हूँ गाइज, अगर आप कभी भी यहाँ आते हो मॉस्को, तो एक बार कम से कम इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना। अगर आप मॉस्को से पीटर्सबर्ग जाते हो तब कर सकते हो, या पीटर्सबर्ग से अगर मॉस्को आते हो तो उस टाइम पे आप ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा आपका। और क्या शानदार एक्सपीरियंस था, सारा चीज़ ऑसम। तभी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और फिर चलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ। मिलता हूँ थोड़ी देर में बाहर। तो गाइज, मैंने डिसाइड किया है मेट्रो से जाने का। मैं पीछे मेरे देख रहे हो, जैसे अभी जस्ट निकला हूँ, और 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो नंबर 1। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं मेट्रो नंबर 1। वहाँ से 4 स्टॉपेज, 5वां स्टॉपेज हमारा होगा, और वहाँ से 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है। अभी जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। तो आपको लग रहा है ये मुझे कैसे पता, भाई यंडेक्स मैप है ना, सारा कुछ दिखा देता है भाई। कौन से मेट्रो पे जाना है, कितना टाइम लगेगा, कौन से चेंज करना है, सारा डिटेल आपको यंडेक्स मैप में आपको मिल जाएगा। मैं जितने भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना भाई, मैं उसी के जोर पर ट्रैवल कर रहा हूँ रसिया में। तो अभी जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ, मेट्रो 1।
फिर हॉस्टल की तरफ चलेंगे। स्केलेटर भी लगभग खत्म ही धड़क से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 42 रूबेल मेरे कटे और मैंने पिछली बार ही कार्ड ले लिया था। अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ बस पहुंच ही गया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।